तो कैसे हैं आप सब? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज के स्टूडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि क्या होता है भाई इस वाले बैटरी, लीड एसिड बैटरी के अंदर। एंड इस वाले वीडियो से पहले मैंने काफ़ी सारा वीडियोस बना चुका है बैटरीज के अंदर या फिर किसी और भी चीज़ के अंदर, जिसको मैंने काट काट के खोल खोल के आप सबको दिखाया है कि क्या क्या होता है उसके अंदर, ठीक है। तो आज की वीडियो में इसी वाले वीडियो, मतलब इसी वाले टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं। तो इस वाले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड अच्छा लगे तो, एंड नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हो। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा बटन को दबा दीजिएगा। एंड इस वाले वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के, चलो शुरू करते हैं। तो गाइज, यहाँ पे है मेरे पास एक लीड एसिड बैटरी एंड इसके तार को भी हटाते हैं। चलिए, आज की वीडियो में इसी के अंदर देखने वाले हैं कि इसके अंदर भाई होता क्या है और किस तरह से आप इसको, मतलब अंदर से, मतलब ये किस तरह से दिखता है, ठीक है। तो चलिए इसको कट करते हैं जल्दी से। एंड गाइज, ये जो बैटरी है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है हमारे मार्केट्स में एंड काफ़ी ज़्यादा अप्लायंसेस में ये वाला यूज होता है। अब तो खैर कम हो गया है, बट जो पहले ये वाला बैटरी, मतलब लिथियम आयन बैटरी नहीं था तो ज़्यादातर चीज़ों में यही वाला बैटरी यूज़ होता था। एंड इसका नाम है लीड एसिड बैटरी। अब तो खैर ब्लूटूथ स्पीकर ये सब चीज़ों में लीड एसिड बैटरी, सॉरी लिथियम आयन बैटरीज आने लगी है, बट इससे पहले जो मार्केट में बैटरीज आती थी वो यही बैटरीज थी एंड वो लीड एसिड बैटरी थी। ये काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, आपने अपने घर में इन्वर्टर में देखा होगा या फिर किसी इमरजेंसी लाइट में देखा होगा आपको ये वाला बैटरी, मतलब बहुत ज़्यादा जगहों पे देखने को आप सबको मिल जाएगा, ठीक है। तो गाइज, यहाँ पे देख सकते हो हमारा ये जो, मतलब सिस्टम है, सॉरी डिब्बा है, मतलब वो कट हो चुका है एंड कुछ इस प्रकार से ये वाला जुटा हुआ था। तो चलो अब इसको निकालते हैं कि इसके अंदर भाई होता क्या है। तो ये देखो, ये बैटरी का टर्मिनल है एंड पहले मैं पूरा निकाल लेता हूँ, उसके बाद आप सबों को दिखाता हूँ कि इसके अंदर होता क्या है, ठीक है। फाइनली यहाँ पे जो बैटरी एंड उसके अंदर का जो चीज़ था वो सब निकल गया है एंड इसमें एसिड लगा हुआ था। तो आप सब अगर इसको घर पे ट्राई करते हो तो अपने सेफ्टी का भाई पूरा पूरा ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो इसमें एसिड लगा हुआ है जो कि हाथ में थोड़ा थोड़ा तो महसूस हो ही जाता है कोई भी चीज़, ठीक है। मतलब एसिड जब किसी चीज़ पर हाथ उठ पर लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये हमारा अलग हो चुका है। एंड गाइस, सबसे पहले इसको देखते हैं तो ये जो रहता है वो कॉटन टाइप का है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ये काफ़ी इजीली टूट रहा है। आई डोंट नो कि ये कॉटन ही है या फिर कॉटन टाइप का, बट इसका देख सकते हो कॉटन टाइप का ही है क्योंकि इसमें से देख सकते हो थोड़ा थोड़ा, मतलब जो रेसा टाइप का रहता है वो है। एंड इसका यूज़ किस कारण में हो, किस चीज़ में होता है, मैं आप सबको बताता हूँ। ये लीड एसिड बैटरी है तो जो इसमें एक एसिड भी डलता है तो एसिड को ये एब्जॉर्ब करके रखता है। गाइस, इस वाले बैटरी के सेपरेटर में लगा हुआ है एसिड, मैं आप सबको सीधा सीधा दिखा देता हूँ, तो ये देखिएगा आप लोग। ये देख सकते हो, देखो किस तरह से, मतलब ये सनसना रहा है, कुछ इस टाइप से आवाज इसका निकल रहा है। आई होप कि आपको ये सुनाई दे रहा होगा। ये वाला एसिड काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है तो आप लोग इसको घर पर ट्राई करने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। एंड इस वाले प्लेट से ये जुड़ा रहता है। एंड एक और काम है इसका, इसका काम है सेपरेटर का काम, क्योंकि ये जो, मतलब बैटरी है इसमें चार ठो यहाँ पे सेल लगे हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हो चार ठो यहाँ पे सेल है, दो ठो थोड़ा सा ब्लैक है एंड दो ठो थोड़ा सा वाइट है। तो कुल मिला के ये मैंने इस टाइप से रहता है, ठीक है। एंड इसके बीच में ये वाला सेपरेटर लगा रहता है एंड इसके बीच में ये वाला सेपरेटर लगा रहता है, ठीक है, कुछ इस टाइप से, ठीक है। एंड इसमें जो खंड बना हुआ है, ठीक है, एंड सब ये एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं एंड दो खंड इसमें बने हुए हैं, यानी कि ये दो पार्ट में रहता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है वो ये है लीड ऑक्साइड, ठीक है। ये वाला चीज़ जो है लीड ऑक्साइड का, ये वाला मटेरियल का ये वाला चीज़ बना हुआ है एंड कुछ इसी टाइप से हमारा ये वाला बैटरी रहता है।
एंड इसमें का जो ये व्हाइट वाला रहता है वो रहता है पॉजिटिव, एंड ये जो ब्लैक वाला रहता है ये रहता है हमारा नेगेटिव का पार्ट। एंड इसमें जो एसिड डाला रहता है वो सब आप लोग देखे होंगे कि जो मतलब हमारे इन्वर्टर वाले बैटरी में डलता है कुछ उसी टाइप का रहता है। एंड ये वाला चीज़ काफ़ी ज़्यादा मस्त है, ये देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा मतलब वैसा ही है जो मैंने आप सबों को बताया था। ये देखो पेपर की तरह ये इस टाइप से ये उखड़ रहा है, ठीक है देख सकते हो। एंड ये कॉटन के समान एकदम मुलायम है। तो आई होप कि ये वाला वीडियो आप सबों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप सब मेरे से पूछ सकते हो, एंड वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। एंड यहाँ पे देख सकते हो ये कैप है जो कि पानी डालने के काम में आता है, मतलब पानी डालने के काम में तो गैस नहीं ही आता है, ये गैस डालने के गैस निकलने के काम में आता है। बट इसमें अगर आपका बैटरी ख़राब हो जाता है तो आप इसमें जब वाटर डाल दोगे मतलब पानी डाल दोगे तेजाब डाल दोगे तो ये आपका बैटरी फिर से रिपेयर हो जाएगा, अगर आपके सेल बैटरी के डैमेज नहीं हुए होंगे तो, ठीक है। तो आई होप कि ये वाला वीडियो आप सबको अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपना है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत, बाय गाइस।